بسم الله الرحمن الرحيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम वाला। एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने इसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से इसने कितने आंसू बहाए। जो भी रिश्ते पास हैं खुदारा इनकी कदर कीजिए। काली बिल्ली से डरते हैं लोग, काली बिल्ली से डरते हैं लोग, काले करतूतों से नहीं डरते। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने, जब दुआओं और कोशिशों से भी बात ना बने, तो फैसला रब पर छोड़ दो। अल्लाह अपने बंदों के बारे में बेहतर फैसला करने वाला है। 100 दोस्तों से बेहतर वो एक दुश्मन है, जो दिल में नफ़रत तो रखता है लेकिन मुनाफ़कत नहीं करता। अगर दोस्ती तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू, अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। अगर कोई शख्स दोस्ती के अहल ना मिले, तब भी किसी ना अहल से दोस्ती मत करो। इंसान खुद अजीम नहीं होता, इंसान खुद अजीम नहीं होता, इसका किरदार अजीम होता है। जिसने परेशानी को बयान किया, जिसने परेशानी को बयान किया, वो जिल्लत पर राजी हो गया। जो मुंह पर बोलने की आदत हो तो मुंह पर सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। बुरे दोस्तों से बचो, बुरे दोस्तों से बचो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा तारफ बन जाए। अंजाम की खराबी इब्तदा की बुराई से होती है, अंजाम की खराबी इब्तदा की बुराई से होती है, लिहाजा इब्तदा को अच्छा बनाओ। शैतान इंसान का अजली और अबदी दुश्मन है, शैतान इंसान का अजली और अबदी दुश्मन है, जो हर वक्त इसके साथ रहता है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। गुनाह की कसरत गुनाह के डर और एहसास को ख़त्म कर देती है, गुनाह की कसरत गुनाह के डर और एहसास को ख़त्म कर देती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज़्ब कर लेने की और कुछ सह जाने की भी होती हैं। दूसरों की ज़िंदगियों में बेजा मदाखलत से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी तवज्जा का मोहताज है। जेब में वज़न हो तो बात में भी वज़न आ जाता है, जेब में वज़न हो तो बात में भी वज़न आ जाता है, दुनिया की यही हकीकत है। हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए कभी भी मुखलिस नहीं कर सकते, हम किसी को ज़बरदस्ती अपने लिए कभी भी मुखलिस नहीं कर सकते। दुआ मोजज़ात करवा सकती है, पहाड़ों को हिला सकती है, समुंदर को 2 हिस्सों में बांट सकती है,
अंधेरे कुएं से बचा सकती है, मछली के मुंह से बाहर निकाल सकती है, और क्या नहीं जो दुआ से नहीं होता। अल्लाह पर यकीन रखें कि वो सुन रहा है, वो करता आया है और वही करेगा। हमारी मुश्किल आसान, मुस्कुराओं की ज़िंदगी अभी बाकी है। टेंशन बेचैनी डिप्रेशन ये सब तब होता है जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो फिर भी हमको बुरा ही समझते हैं। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, संवरते हैं, गुजर जाते हैं। इस उम्र में होती है साथी की ज़रूरत जिस उम्र में औलाद तन्हा छोड़ जाती है। कभी कभी इंसान को अपने मुखलिस हो के चलने पर भी रोना आ जाता है। दर्द सबके एक जैसे हैं मगर हौसले अलग अलग हैं। कोई बिखर कर मुस्कुराता है, कोई मुस्कुरा कर बिखर जाता है। शेख सादी फरमाते हैं कि इंसान को जितना लगाओ रिज्क से है, अगर इतना लगाओ रिज्क देने वाले से हो तो इसका मकाम फरिश्तों से बढ़कर होता। जज्बा चाहे शदीद मोहब्बत का हो या शदीद नफ़रत का, दोनों सूरतों में इंसान को तोड़ देता है। हज़रत अली ने फरमाया, इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उसे मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, उससे कुछ ना छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। अगर गुरूर कोई इल्म होता तो इसके सनद याफ्ता बेशुमार होते। अकलमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो। अकलमंद वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छाई और बुराई की पहचान हो, बल्कि असल अकलमंद वो है जो अच्छाई की पैरवी करे और बुराई से इज्तिनाब करें। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। एक जोकर ने लोगों को एक लतीफ़ा सुनाया तो सब लोग बहुत ज़्यादा हंसे। इसने वही लतीफ़ा फिर सुनाया तो कम लोग हंसे। तीसरी बार इसने वही लतीफ़ा फिर सुनाया तो कोई भी ना हंसा। तो फिर इस जोकर ने एक बहुत खूबसूरत बात कही, अगर तुम लोग एक खुशी को लेकर बार बार खुश नहीं हो सकते तो फिर एक गम को लेकर बार बार रोते क्यों हो। वक्त दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। मुसाफिर और आवारा गर्द में फ़र्क सिर्फ़ मंजिल का है। एक पहुंच जाता है, एक भटकता रहता है।